सो गाइस, इस तरह का जो वीडियो बनाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन का जरूरी पड़ेगा जो कि है कैन मास्टर। कैन मास्टर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो लेटेस्ट वर्जन चाहिए मेरे वाला तो अगर मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है वहाँ से जाकर आपको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो डाउनलोड कर लीजिए तो कुछ देखिए, आपको इंस्टॉल कर लीजिए, इंस्टॉल करने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा और जो भी हम जो कैन मास्टर देंगे लेटेस्ट वर्जन होगा पूरा एकदम नया वर्जन जो कि अभी हम यूज कर रहे हैं। इसी वर्जन आपका लिंक डिस्क्रिप्शन मिलेगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और देखिए क्रिएट नाउ जो बटन देख रहे हैं इस पर आपको क्लिक करना है प्लस वाला आइकन पर, और इस पर क्लिक करने के बाद क्या करना है आपको यहाँ पर कोई भी रेसिपी को सेलेक्ट नहीं करना है। आज का वीडियो जो हम बताएंगे आपको दो तरह का वीडियो बनाना, यानी कि एक जो होता है 60.9 रेशियो में और 9.16 रेशियो में। बहुत भाई लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई इसके ऊपर जो वीडियो बनाइए, तो इस वीडियो में आपको इस तरह का भी वीडियो बना सकते हैं और इस तरह का भी वीडियो बना सकते हैं, ठीक है। और आपको 9.16 रेशियो में वीडियो बनाना है तो सबसे पहले आपको वीडियो को फर्स्ट में देख लीजिए, और आपको इस तरह का वीडियो नहीं बनाना है तो आपको जाकर इस वीडियो को देखना होता है। आपको कुछ वीडियो के स्टेप को स्किप कर सकते हैं, स्किप आप नहीं करिएगा क्योंकि आप स्टेप बाय स्टेप बताएंगे तो वीडियो को आप दोनों तरह के वीडियो आप बना सकते हैं एक ही वीडियो में, ठीक है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको यहाँ से कोई भी रेसिपी को सिलेक्ट नहीं करना, सिंपली आपको नीचे जाना है और नीचे जाइए और यहाँ देखिए आपको इंपोर्ट फाइल का ऑप्शन दिखा देगा। देखिए यहाँ पर इंपोर्ट फाइल का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना, ठीक है। कैन फाइल ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करिए। इस पर जैसे क्लिक करिएगा आपका जो मोबाइल फोन में होगा गैलरी यहाँ पर खुल जाएगा। आपको सिर्फ ऊपर देखिए थ्री डॉट का एक ऑप्शन दिखा देते हैं, ऊपर देखिए थ्री डॉट का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक करिएगा तो आपको यहाँ पर एक डाउनलोडिंग फाइल का ऑप्शन दिखा देगा। देखिए यहाँ डाउनलोडिंग दिख रहा है तो डाउनलोडिंग वाला आपको क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करिएगा तो आपको देखिए यहाँ पर बहुत सारा फाइल खुल जाएगा। यहाँ पर इसमें कुछ नहीं छेड़छाड़ करना है, आप जैसे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड जो लिंक मिलेगा वहां से आपको डाउनलोड करिएगा। तो आपको यहां पर देखिए कि जीप फाइल दिखा देगी प्यारा, देखिए प्यार जहां से जहां में एक देखिए यहां पे दिख रहा है मेरे पास जीप फाइल है, इसको आपको बता देते हैं हाईलाइट करके। देखिए जीप फाइल है, इस पर सिर्फ आप क्लिक करना है, ठीक है। जैसे इस पर क्लिक करेगा आपका देखिए मोबाइल फोन में जो कैन मास्टर का अंदर देखिए इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। इंपोर्ट जैसे हो जाएगा यहां पर देखिए सारा चीज यहां पर दिख जाएगा और इसमें जो इफेक्ट यूज किया हुआ है, अगर इफेक्ट आप डाउनलोड नहीं किए होंगे तो आपको यहां पर डाउनलोड करने के लिए बताएगा, ठीक है। पहला बार अगर करिएगा तो आपको डाउनलोड करने के लिए बताएगा। डाउनलोड जैसे कर लीजिएगा उसका इस साइड में यहाँ देखिए इस जगह पर आपको एक एडिट का एक ऑप्शन दिखा देगा, आपको बता देते हैं। इस जगह पर आपको एक एडिट का ऑप्शन दिखा देगा, जैसे डाउनलोड कर लीजिएगा जब फिर डाउनलोड करने के लिए बोलेगा, फिर डाउनलोड करने बाद आपको यहाँ पे एक एडिट का ऑप्शन देगा, उस पर आप जाकर आपको एडिट कर देना, ठीक है। एडिट कर लीजिएगा उसके बाद क्या करना है, सिंपली आपको इसमें छेड़छाड़ कुछ नहीं करना, आपको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप आपको देखना है। पहले क्या करना है इसको जूम कर लेना, ठीक है। थोड़ा सा इसको जूम कर लीजिए, दो फिंगर से आपको इसको जूम कर लेना, ठीक है। जूम करना देखिए यहाँ पे ब्लैक कलर का दो इमेज दिख रहा है, सिंपली एक इमेज पर आपको क्लिक करना है और ऊपर देखिए आपको रिप्लेस का ऑप्शन देगा, आपको बताते हैं कैंची का आइकन ऊपर देखिए रिप्लेस का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना, ठीक है। इस पर जैसे क्लिक करेगा तो आपको एक टेम्पलेट वीडियो का आपको ऐड करना होगा, ठीक है। तो मेरे पास एक टेम्पलेट वीडियो है तो इसको हम यहाँ से ऐड कर देते हैं, आपको इसको ऐड कर देना है। कुछ इस तरह का टेम्पलेट वीडियो इसके अंदर ऐड हो जाएगा, इसमें और कुछ छेड़छाड़ नहीं करना, सिंपली इसको ऐड करके छोड़ देना, ठीक है। जैसे छोड़ दीजिएगा आपको क्या करना है थोड़ा सा इसको स्क्रॉप करिए और यहाँ देखिए व्हाइट कलर का एक इमेज दिखा देगा। देखिए यहाँ पे व्हाइट कलर का जो इमेज दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है और इस पर जैसे क्लिक करेगा तो फिर से आपको रिप्लेस वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर से आपको डाउनलोडिंग फाइल में चल जाना, ठीक है। जैसे डाउनलोडिंग फाइल में जाइएगा उसको देखिए मेरे पास एक वीडियो क्लिप है, ठीक है। इस वीडियो क्लिप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको डाउनलोड कर लिया, ये वीडियो क्लिप यहाँ पे ऐड कर देना, ठीक है। इस तरह से आपको वीडियो क्लिप ऐड कर दीजिएगा। अब क्या करना है इसको थोड़ा सा और स्क्रॉप करिए, एक और व्हाइट कलर का एक इमेज दिखा देगा, ठीक है। तो व्हाइट कलर वाला इमेज पर क्लिक करना है, फिर से रिप्लेस वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर से डाउनलोडिंग फाइल में चल जाना है और देखिए उसी वीडियो क्लिप को हम यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको हम ऐड कर दिए, कुछ इस तरह से आपको भी ऐड कर देना है। देखिए कितना बेहतरीन तरीके से लग रहा है, आपको कुछ अच्छी तरह से ऐड कर देना, ठीक है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अगर एक भी पॉइंट अगर मिस होगा तो वीडियो परफेक्ट तरीके से नहीं बनेगा। इस वीडियो में बहुत सारा इसमें इफेक्ट दिया हुआ है, बहुत सारा अच्छी तरीके से इसमें बताया हुआ है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बहुत इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ दिया हुआ है, ठीक है। वीडियो को ध्यान से आपको देखना है। अब क्या करना, देखिए आपको वीडियो क्लिप जैसे लग जाएगा इसमें और इसमें तीन वीडियो को ऐड करना, ठीक है। तीन वीडियो कौन सा ऐड करना आपको बताते हैं, तीनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको देखिए नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल कर, देखिए ये जो लेयर है इसको थोड़ा सा ऊपर इस तरह करिएगा, फिंगर से आपको ऐसे ऊपर करिएगा तो आपको देख लीजिए ये जो महादेव का देखिए यहाँ पर एक इमेज दिखाई देगा। देखिए यहाँ महादेव का इमेज दिख रहा है, इसके नीचे आपको दो इमेज ब्लैक कलर का दिखाई देगा, ठीक है। देखिए दो इमेज जो दिख रहा है ब्लैक कलर का, आपको फर्स्ट वाला ब्लैक कलर आपको क्लिक कर, देखिए यहाँ पर दो इमेज दिख रहा होगा कटा हुआ, आपको फर्स्ट वाला जो ब्लैक कलर इमेज इसको सेलेक्ट करना है, रिप्लेस वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है और इस पर देखिए मेरे पास अर्थ का जो वीडियो है इसको यहाँ से ले लेंगे। देखिए यहाँ पर अर्थ मेरे पास, देखिए अर्थ का आपको हाईलाइट करके दिखाते हैं, ये अर्थ वाला वीडियो इसको ले लेना है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में यहाँ से आपको डाउनलोड कर लीजिए। ये अर्थ वाला वीडियो को यहाँ ऐड कर देंगे, ठीक है, रिप्लेस कर देंगे इसके साथ। जैसे रिप्लेस हो आपको देख लीजिए, आपको क्या करना, थोड़ा सा नीचे जाना है और यहाँ देखिए यहाँ पर देखिए आपको हाईलाइट करके दिखाते हैं, ये जो ऑप्शन दिख रहा है स्क्रीन का इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। स्लिप स्क्रीन का ऑप्शन पर क्लिक करना है, इसको ऑफ पर क्लिक कर देना, ऑफ पर क्लिक कर दीजिए। ऑफ पर क्लिक करना है तो क्या करना है, इस इमेज को, सॉरी इस वीडियो को इस तरह से आपको डिस्प्ले पर पूरा इस तरह से फुल कर देना, ठीक है। यहाँ से आपको फुल करना, देखिए इस तरह से
इस तरह से आपको यहाँ पर फुल कर देना कुछ इस तरह, ठीक है। इस तरह जैसे आप उसको फुल कर दीजिएगा, आप क्या करना है इसके बाद देखिए सेकंड वाला जो एक ब्लैक कलर का इमेज था इसको सेलेक्ट करना है, फिर से रिप्लेस वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर से डाउनलोडिंग फाइल में चल जाना है। उसके बाद देखिए मेरे पास एक लड़की वाला जो दिल PNG इमेज सॉरी दिल वाला जो वीडियो है इसको यहाँ से हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। देखिए लड़की वाला जो दिल वाला वीडियो है इसको ऐड कर देना। अब इसको भी क्या करना है आपको स्क्रीन वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है और ऑफ पर आपको क्लिक कर देना। जैसे ऑफ पर क्लिक करिएगा तो आपको देखिए इस तरह का वीडियो आपको दिखेगा, तो आपको क्या है इसको इस तरह से आपको फुल कर देना, ठीक है। से फुल कर दीजिए डिस्प्ले को और कुछ इस तरह से आपको देखिए जहां वीडियो इसके अंदर ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है एक ब्लैक कलर का इमेज और दिखा देगा, यहां आप देखिए इस जगह दिख रहा होगा ब्लैक कलर का। अब इस बात को ध्यान रखिए जो यहां आप देखिए महादेव का जो इमेज है इसी इमेज के नीचे में आपको ब्लैक कलर का इमेज दिखा देगा, ठीक है। तो आपको इसी ब्लैक कलर के इमेज पर क्लिक करना है, रिप्लेस वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर से डाउनलोडिंग फाइल में चल जाना है। और देखिए मेरे पास एक और यहाँ पे वीडियो है जो कि देखिए दिल धड़कने वाला है, इसको यहाँ से हम सेट कर लेते हैं, ठीक है, ऐड कर देना है और फिर से आपको स्क्रीन पर चल जाना है। ये स्क्रीन पर नहीं जाइएगा तो क्या होगा ये पूरा डिस्प्ले पर अच्छी तरह से दिख नहीं रहा, ठीक है। आप क्या करना है इसको यहाँ से डिस्प्ले पर चल जाना है सॉरी स्क्रीन पर ऑफ वाला पर क्लिक कर देना है और इसको यहाँ से इस तरह से पूरा फुल कर देना, ठीक है। इस तरह से पूरा फुल कर दीजिए और यहाँ से आपको ओके कर देना, ठीक है, ओके कर दीजिए। आप क्या करना है सिंपली देखिए आपका जो भी इसमें मटेरियल ऐड करना था सारा ऐड हो चुका है। आप क्या करना है इसके साथ आपको जो अपना इमेज को यहाँ पर रिप्लेस करना हो, ठीक है। जैसे मान के चलिए देखिए मेरे पास लड़की का इमेज है, इस जगह आप अपना इमेज लगाना चाहते हैं तो सिंपली इस इमेज पर क्लिक करना है। रिप्लेस वाला जो ऑप्शन आपको बताया है देखिए कैंसिल का आइकन ऊपर रिप्लेस वाला ऑप्शन इस पर क्लिक करना, इस जगह आप अपना इमेज को लगा लीजिएगा, ठीक है। तो मेरे पास देखिए बहुत सारा इमेज है तो हम यहाँ कोई भी एक इमेज को आपको लगा बता देते हैं कौन सा इमेज अच्छा रहेगा कैसे इसमें लगता है तो आपको वही बता देते हैं। मेरे पास देखिए पिंक में चल जाते हैं, देखिए मेरा बहुत सारा इमेज है, मान चलिए इस लड़के वाला इमेज को हम लगाना चाहते हैं, देखिए इसको हम यहाँ से ऐड कर देंगे, ठीक है। कुछ इस तरह देखिए ऐड हो चुका है, इसमें आपको छोटा बड़ा या नीचे ऊपर करना चाहते हैं तो देखिए इस इमेज पर देखिए इस डबल लेयर पर क्लिक करना है, इसको छोटा बड़ा ऊपर नीचे आप कुछ इस तरह से आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको जो अच्छा लगे उस हिसाब से आप इसको कर लेना है। इस तरह से आपको जितना इमेज है सारा इमेज के साथ आपको यहाँ से क्या करना आपको रिप्लेस कर देना है ताकि आपका जो वीडियो आपको तो कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है, आपका वीडियो बन जाएगा। अब क्या करना है इसमें आपको फोटो फ्रेम लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट इसको क्या करना आपको एक्सपोर्ट कर लेना। पहले इसको हम फोटो फ्रेम आपको लगा के बता देते हैं, हम इसमें फोटो फ्रेम का यूज नहीं करेंगे, हम फोटो फ्रेम करेंगे 60:9 वाला जो रेशियो है उस वीडियो में यूज करेंगे। तो आपको फोटो फ्रेम अगर यूज करना चाहते हैं तो फोटो फ्रेम यहाँ से आपको इस तरह से ले लेना है और इसको क्या करना आपको इसी वीडियो का अगर यूज करना चाहते हैं तो इसको इस तरह से पूरा डिस्प्ले को पूरा फुल कर दीजिएगा, इस तरह से फुल कर देना है। फुल करके इसको क्या करना आपको डिस्प्ले पूरा लास्ट तक कर लीजिएगा तो आपका देखिए वीडियो कुछ इस तरह से यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से वीडियो प्ले करके दिखाते हैं, कुछ इस तरह का आपका जो वीडियो यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से वीडियो बन जाएगा, हम इसमें जो फोटो फ्रेम यहाँ पे यूज नहीं करें फोटो फ्रेम यहाँ से डिलीट करते हैं और जो वीडियो यहाँ पे ऐड किया था ब्लैक टेम्पलेट वाला इसको यहाँ से म्यूजिक यहाँ से म्यूट कर देना, यानी कि बंद कर देना, ठीक है। इसके अंदर ऑडियो दिया हुआ है आपको इसके यहाँ से बंद कर देना, ठीक है। बंद करने तो क्या करना है इसको हम वीडियो को एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करने के जो ऊपर जो आइकन दिख रहा है इस आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ से 60:7:20 का 720 का यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है और सेव बटन पर आपको क्लिक कर देना है। इसको यहाँ से वीडियो को हम सेव होने देते हैं, जैसे सेव हो जाएगा तो उसके बाद अगला प्रोसेस आपको बताते हैं। वीडियो को ध्यान से स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, कहीं पर भी स्किप नहीं करें। वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और नीचे कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा या नहीं लगा, तो आपको किस तरह का वीडियो चाहिए। बहुत भाला कमेंट किए थे कि 9.60 में वीडियो बनाए तो इस वीडियो में आपको उस तरह की बता दिए, 9.60 भी बना सकते हैं और 16:9 पर भी बना सकते हैं। आपको दो तरह का दो फ्रेम का वीडियो बनाना बता रहे हैं इसी वीडियो में, वीडियो को ध्यान से देखें तो आपको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है नीचे कमेंट करके बताइएगा और आपको किस तरह का वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करिएगा, ठीक है। कमेंट करना नहीं भूलिएगा, कमेंट करिएगा तभी हमको पता चलेगा किस तरह का आपको वीडियो चाहिए, तभी तो वीडियो उस तरह का लाएंगे, ठीक है। कमेंट देखिए बहुत भाई कमेंट किए थे कि आपको आप 16:9 रेशियो वीडियो बनाते हैं, 9.16 रेशियो वीडियो बनाते हैं, इसलिए हम देखिए बहुत सारा वीडियो इस पॉइंट पर लेकर आ गए, ठीक है। बहुत सारा और वीडियो देखना चाहते हैं, लास्ट में आपको डिस्प्ले पर शो करेगा, आप जाकर वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। दो वीडियो और शो करेगा लास्ट में और क्या करना है इसके यहाँ से ब्रेक आ जाना, ये आपको जैसे एक वीडियो बनकर तैयार हो चुका है और हम अब जो वीडियो हम यूज करेंगे उसमें इस वीडियो को हम ऐड कर सकते हैं, तो इसके लिए आप क्रिएट नाउ बटन पर क्लिक करना है और देखिए 16:9 रेशियो को सेलेक्ट करना है और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने ला क्लिक करने के बाद क्या करना आपको एक यहाँ पर एक बैकग्राउंड इमेज को सेलेक्ट करना है, तो मेरे पास देखिए बैकग्राउंड इमेज है इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको क्या करेंगे लेंथ को बढ़ा देंगे, आपको 30 सेकंड कर देना क्योंकि जो वीडियो हम यूज किए हैं इसको 30 सेकंड तक का है तो इसको हम 30 सेकंड यहाँ से बढ़ा देते हैं, ठीक है। 30 सेकंड बढ़ाने के फिर से वीडियो को फर्स्ट में जाना है, लेयर क्लिक करना है, मीडिया आप क्लिक करना है, फिर से आपको डाउनलोडिंग फाइल चल जाना है और देखिए मेरे पास फोटो फ्रेम इसको यहाँ से ऐड कर लेंगे। ये फोटो फ्रेम यहाँ पर हम ऐड करेंगे क्योंकि इस वीडियो में अगर यूज कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर ऐड करना है, अगर आप सिर्फ वही वीडियो का आपको यूज करना चाहते थे तो आपको वहाँ पर ऐड कर देते, आपका जब वीडियो बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ को कुछ इस तरह से इसको साइज को यहाँ पर बड़ा करना है और यहाँ कुछ इस तरह से आपको इसको इस जगह पर लगा देना है। लगाने क्या करना है इसको लेयर को पूरा लास्ट तक कर लेना, तो इसको हम लेयर को पूरा लास्ट तक कर देते हैं और क्रॉपिंग आइकन पर क्लिक करना है
स्विच को ऑन कर देना, फेदर को थोड़ा सा इसको बढ़ा देना, ठीक है, ज़्यादा नहीं बढ़ाना, आपको यहाँ से 25% तक कर देना है या 30% भी कर सकते हैं, चलिए इसको हम 30% कर देते हैं, और यहाँ सबको ओके कर देना, ओके कर देना, ओके करना तो क्या, फिर से लेयर क्लिक करना है, मीडिया ऐप क्लिक करना, अभी अभी जो वीडियो एक्सपोर्ट किए थे उस वीडियो को आपको यहाँ से ले लेना, ठीक है, इस वीडियो को यहाँ से ले लीजिए, और लेने के इसको अब इसको इस जगह पर यहाँ पर लगाना होगा, तभी वीडियो तो परफेक्ट ऐसा बनेगा, इसको इस जगह पर लगा देना है, थ्री डॉट का ऑप्शन क्लिक करना है, इसको सेंड टू बैक कर देना है, इसको बैक कर दीजिए, अब बैक करके इसको हम थोड़ा सा क्या करेंगे ऊपर कर लेंगे, थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए, कुछ इस तरह से देख लीजिए, आपको परफेक्ट तरीके से यहाँ पर अच्छी तरह से एडजस्ट होना चाहिए, तभी अच्छा लगेगा वीडियो देखने में, तो वीडियो देखने में अच्छा नहीं लगेगा, ठीक, कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर एडजस्ट कर देना है, इसको थोड़ा सा और नीचे कर लीजिए इस तरह से, और यहाँ पर फिक्स कर देना, ठीक है, आपको देखिए फ्रेम करना देखिए आपका जो वीडियो यहाँ पर बन जाएगा, अब क्या करना है वीडियो को पूरा फर्स्ट में देना, वीडियो को ध्यान से स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, तो इस रेसियो में अगर वीडियो बनेगा तभी आपको अच्छी तरह से वीडियो को ध्यान से देखना है, और लेयर क्लिक करना है, मीडिया ऐप क्लिक करना है, फिर से आपको डाउनलोडिंग फाइल में चल जाना है, और देखिए मेरे पास यहाँ पे एक यहाँ पर देखिए एक लव वाला जो PNG इमेज है इसको यहाँ से ले लेंगे, इसको इस जगह पर यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है, तो आपको अभी कुछ इस तरह से इसको लगा देना है, इसको लेयर को पहले पूरा हम लास्ट तक कर देंगे, और उसके बाद इसके अंदर एक एनिमेशन डालना है, जो कि जाना आपको इन एनिमेशन में, और यहाँ से आपको देखिए सिलेक्ट डाउन वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इसको सेलेक्ट कर लेना है, इसको रेशियो का आपको 2.5 या 3 सेकंड कर देते हैं, ठीक है, इसको हम 3 सेकंड कर देते हैं, 3 सेकंड करने में आपको 3 सेकंड और स्क्रोप कर लेना है, लेयर क्लिक करना है, मीडिया आप क्लिक करना है, फिर से डाउनलोडिंग फॉर्म चल जाना है, और देखिए मेरे पास यहाँ पर लव वाला जो PNG इमेज है इसको सेलेक्ट कर लेंगे, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आपको डाउनलोड कर लेना है, इसको भी लेयर को पूरा लास्ट तक कर देते हैं, आपको भी लेयर को लास्ट तक कर देना है, और इसको हम इस जगह पर यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है, तो आपको कुछ इस तरह से इसको लगा देना है, साइज को इसको बड़ा करना चाहते कर सकते हैं, इसको हम साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, और इसको इस जगह पर कुछ इस तरह से इसको लगा देंगे, ठीक है, आपको भी यहाँ पर लगा देना, इसके अंदर एनिमेशन डाल देना, जो कि जाना आपको इन एनिमेशन में पॉप वाला एनिमेशन को सेलेक्ट करना है, रेशियो को 2.5 कर देना, ठीक है, उसका थोड़ा सा और स्क्रॉल कर लीजिए, यानी कि 5 सेकंड पर देना है, और लेयर ऐप क्लिक करना है, फिर से मीडिया ऐप क्लिक करना है, और देखिए मेरे पास एक और यहाँ पे PNG इमेज है, इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सबको डाउनलोड कर लीजिएगा, इसको भी लेयर क्या कर पूरा लास्ट तक कर देते हैं, लेयर को पूरा लास्ट तक करने में तो क्या इसको साइज को थोड़ा छोटा कर लेंगे, और थोड़ा सा छोटा करके हम इसको इस पोजिशन पर ले आएंगे, ठीक है, आपको भी इस पोजिशन पर ले आना है, और उसके बाद ओवर एनिमेशन का ऑप्शन देखिए इस पर क्लिक करना है, और यहाँ से फ्लोटिंग वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है, इससे क्लिक कर देना है, और क्लिक करना है तो क्या करना, आपको यहाँ से ओके कर देना है, ओके करके फिर से वीडियो को फर्स्ट में देना है, लेयर क्लिक करना है, मीडिया ऐप क्लिक करना है, मीडिया ऐप जैसे क्लिक करिएगा आपको डाउनलोडिंग फाइल में चल जाना है, और देखिए मेरे पास यहाँ पर एक फ्लावर PNG इमेज है, इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाए, आपको डाउनलोड कर लीजिए, इसको क्या करना है, इससे पूरा डिस्प्ले को इस साइज को बढ़ाना है, और बढ़ाने क्या करना, आपको इस पोजिशन पर ले आना है, इस पोजिशन पर लाने के बाद क्या करना, आपको लेयर को पूरे हम लास्ट तक कर लेते हैं, लेयर को पूरा लास्ट तक करने क्या करना है, चाबी का क्लिक करना है, और इस वीडियो को लास्ट में जाइए, प्लस करने पे क्लिक कर देना है, क्लिक करके आपको 15 सेकंड पर जाना है, उसको 15 सेकंड पर जाइए, और इस इमेज को क्या करना, आपको घींच कर इस तरफ कर लेना, ठीक है, इसको हम घींच कर इस तरफ कर लेते हैं, और यहाँ से आपको ओके कर देना, ओके कर दीजिए, आपका जो वीडियो है बनकर तैयार हो चुका है, अब यहाँ से वीडियो को प्ले करके दिखाते हैं किस तरह से वीडियो बना, ठीक है, आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन, कितना अच्छा तरह से वीडियो बन चुका है, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑल द वे, ताकि वीडियो हम डालते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, डिस्प्ले पर 2 वीडियो और शो कर रहा है, दोनों वीडियो पर किसी वीडियो क्लिक करके वीडियो को और देख सकते हैं, और बहुत सारा वीडियो अच्छी तरह से बना सकते हैं, इस सारा लिंक इस मटेरियल का सारा लिंक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, और रिलेटेड के साथ।